नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुलबेली अपने होस्ट ज्ञानेश के साथ। आज मैं लेके आया हूँ पंचतंत्र की एक और मजेदार कहानी जिसका नाम है गौरैया और घमंडी हाथी। आइए सुनते हैं ये कहानी आपके होस्ट ज्ञानेश के साथ। एक जंगल में बड़े से पेड़ पर एक गौरैया अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति बाहर जाकर खाने पीने का इंतजाम करता और वह घोंसले में रहकर अपने अंडों की रखवाली करती। गौरैया अपने घोंसले में अंडों से चूजों के निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक दिन की बात है, वो अपने अंडों को सेक रही थी और उसका पति भी रोज की तरह खाने पीने के इंतजाम के लिए बाहर गया हुआ था। उसी जंगल में एक गुस्सैल हाथी भी रहता था। वो हाथी वहां आधमका और आसपास के पेड़ पौधों को रोंदते हुए तोड़फोड़ करने लगा। उसी तोड़फोड़ के दौरान वह उस पेड़ तक भी पहुंच गया जहां गौरैया रहती थी। उस हाथी ने पेड़ को गिराने के लिए जोर जोर से हिलाया, लेकिन वह पेड़ बहुत मजबूत था। थोड़ी देर बाद हाथी थक कर वहां से चला गया, लेकिन उसके पेड़ को जोर जोर से हिलाने से गौरैया का घोंसला टूटकर नीचे आ गिरा और उसके सारे अंडे फूट गए। फूटे हुए अंडों को देखकर गौरैया बहुत दुखी हुई। वो जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसका पति भी वापस आ गया। उसे सारा किस्सा पता चला तो वो भी बहुत दुखी हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हाथी से बदला लेने और उसको सबक सिखाने की ठान ली। उनका एक मित्र था जिसका नाम कठफोड़वा था। वो उसके पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। वो हाथी से बदला देने के लिए कठफोड़वा की मदद चाहते थे। कठफोड़वा के दो और दोस्त थे, उनका नाम था मधुमक्खी और मेढक। वो सब तैयार हो गए और उन्होंने मिलकर हाथी से बदला देने की योजना बनाई। तय योजना में सबसे पहला काम मधुमक्खी का था। मधुमक्खी हाथी के कान में गुनगुनाने लगी। हाथी को उसका संगीत बहुत पसंद आया, उसे उसमें मजा आने लगा और वो उस संगीत में खो गया। इसी बीच कठफोड़वा ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने हाथी की दोनों आंखों पर वार किया। हाथी दर्द से कराहने लगा और उसको कुछ भी दिखना बंद हो गया। उसके बाद मेढक अपनी पट्टन के साथ एक दलदल के पास गया और सब मिलकर टर्राने लगे। मेढकों का टर्राना सुनकर हाथी को लगा कि पास में ही कोई तालाब है जहां जाके वो अपनी आंख धो सकता है। वो आवाज की दिशा में चल पड़ा और वहां जाकर दलदल में फंस गया। धीरे धीरे वो दलदल में और फंसता गया और उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बहुत ताकत होती है। यदि कमजोर से कमजोर लोग भी साथ में मिलकर प्रयास करें तो वो बड़े से बड़े कार्य को पूरा कर सकते हैं। दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इसलिए हमें हमेशा ही अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।